हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन करी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दें। अब इसमें हम 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहे तो रेगुलर कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हो। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। अब इसमें हम तेज़पत्ता, हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, 2 बड़े साइज के प्याज को डालकर मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लें। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। मैंने यहाँ पे 700 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को हम हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे ताकि चिकन में नमक अंदर अच्छे से जा सके। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें, अच्छे से मिला लें और इसे हाई फ्लेम में फ्राई करें। दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी चम्मच काली मिर्च डालकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर ले, जिससे अदरक लहसुन और काली मिर्च का फ्लेवर हमारे चिकन के अंदर अच्छे से चला जाएगा। चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 3 चम्मच चिकन मसाला। थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाला मिलाने में हमें इजी हो। अच्छे से इसे मिला लें और मीडियम फ्लेम में आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हमारा हो चुका है। अब इसे हम एक बार मिला लेते, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। अब इसे वापस कवर करें और लो फ्लेम में 5 मिनट तक पकने दें। 5 मिनट हो चुका है, इसे अच्छे से मिला लें और लो फ्लेम में ही 2 से 3 मिनट के लिए और इसे फ्राई कर लें। आप देख सकते हो मसाला हमारा फ्राई हो चुका है क्योंकि तेल ऊपर आने लग गया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है। अच्छे से मिला लें। अब इसे आप कवर करें और हाई फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने दें। चिकन हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसमें हम फ्रेश धनिया ऐड करके 1 मिनट तक पकने देंगे और गैस बंद कर दें। चिकन रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।